नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आज एक बहुत बड़ा मोड़ आया है, आज एक बहुत बड़ा बयान आया है। अब तक कई लोग बयान दे चुके हैं, कई लोगों के बयान मीडिया में आए हैं, अब तक कई प्रतिक्रिया आई, लेकिन आज पहली बार श्रद्धा वालकर के पिता खुद विकास वालकर मीडिया से रूबरू हुए। और मीडिया से रूबरू हुए इतना ही नहीं, श्रद्धा वालकर के पिता ने पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान लगा दिया। आज मुंबई के प्रेस क्लब में श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें साथ में भाजपा के नेता किरीट सोमैया को आप देख सकते हैं, वो भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर वसाई माणिकपुर पुलिस और नालासोपारा पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने समय रहते इस मामले में कुछ नहीं किया। अगर समय रहते पुलिस ने कोताही नहीं बरती होती तो शायद आज श्रद्धा जिंदा होती, उन्होंने ये वर्ड भी कहे। विलास वालकर ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करने की बात भी उन्होंने मांग भी रखी। उन्होंने पहले देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, उसके बाद में मीडिया को ब्रीफ किया। आगे वीडियो में सुनिए क्या कुछ कहा श्रद्धा वालकर के पिता ने। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है, वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया, उसके लिए मुझे मैं माफी चाहता हूं। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है, फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस थोड़ी पुलिस थाने इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की, उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी या कुछ प्रूफ मिलने में मुझे ज्यादा मदद मिलती थी। मुझे मेरे बेटी को जस्टिस मिलने के लिए आप जो हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही मिलता रहेगा, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। आपदा खुदावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है,
उस वजह से उसको जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूं। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसका भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सर आपने कहा था अभी, अठारह साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज्यादा तकलीफ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। मेरा मतलब था इसके ऊपर काउंसिलिंग होनी चाहिए। जो 18 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। क्योंकि मैं जब मेरे बेटी ने मुझे मेरे घर छोड़ने से पहले तो बोला था कि मैं अभी बालिग हो गई हूं, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उसका, तो उसके लिए मुझे देना पड़ा। आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनसे भी मिलके आया हूं। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाऊंगा। और श्री किरण सुमेया जी इन्होंने मेरी घर पर आकर मुझे मिलकर मुझे आश्वासन दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। खास करके उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत कुछ मदद की है। खास करके फ्लाइट की आने जाने की सुविधा, वैसे ही रहने की खाने पीने की सुविधा और उनकी खुद की गाड़ी देकर मुझे जो सहकार्य किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।